हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों न्यूजीलैंड देश के किसान इतने अमीर हैं, व्हाई न्यूजीलैंड फार्मर आर सो रिच। इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूजीलैंड देश के किसानों की इनकम के बारे में और जानेंगे वहां के किसान खेती बाड़ी से कितना कमा लेते हैं और साथ में जानेंगे न्यूजीलैंड में खेतों में काम करने वाले मजदूर यानी फार्म वर्कर को कितना वेतन मिलता है, यानी उनकी एक दिन की कितनी दिहाड़ी मजदूरी होती है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूजीलैंड में मजदूरों को घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं और न्यूजीलैंड देश में पूरी दुनिया से लोग खेतीबाड़ी का काम करने आते हैं एज ए फार्म वर्कर, चाहे वह खेतों में फल सब्जियां तोड़ना हो या फिर गाय भेड़ बकरियां चरानी हो। न्यूजीलैंड में खेतीबाड़ी का काम बहुत सारा है और यहाँ पर सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। न्यूजीलैंड देश की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है और इसके बावजूद भी यह देश एक संपन्न देश है, डेवलप्ड कंट्री है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के किसान दुनिया में सबसे ज़्यादा संपन्न और समृद्धशाली हैं, यानी न्यूजीलैंड फार्मर आर वेरी डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस। न्यूजीलैंड के बड़े किसानों के पास औसतन 600 से 700 एकड़ जमीन होती है जिसमें वे भेड़ पालन, गाय पालन, डेयरी फार्म और फ्रूट्स की खेती करते हैं, जिसमें एप्पल यानी सेब, कीवी और अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इनकी औसतन इनकम सालाना 2 लाख अमेरिकी डॉलर से 5 लाख अमेरिकी डॉलर है, यानी इंडिया के औसतन 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास। न्यूजीलैंड के जमींदार किसानों के पास जमीन ज़्यादा होने से इनके फलों के बाग बहुत बड़े होते हैं, करीबन 50 से 100 एकड़ तक। यहाँ पर मजदूरों को प्रति घंटा के हिसाब से सैलरी मिलती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अभी यहाँ पर सेबों की पैदावार हुई है। यह एक सेब का बगीचा है और इन खेतों में बहुत से फार्म वर्कर काम कर रहे हैं। इनको हर घंटे के 16 अमेरिकी डॉलर से 20 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं और एक दिन का करीबन 150 से 200 डॉलर मिलता है, जो इंडिया के होता है करीबन 11,000 से 15,000 के बराबर प्रतिदिन। अगर बात करें न्यूजीलैंड के जमींदार किसानों की जिनकी अपनी जमीन होती है, जैसे कि यह सेब के बगीचे, इनकी कमाई सालाना करीबन 1 करोड़ से 4 करोड़ के बीच होती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इनके पास कुल कितनी जमीन है या कौन सी खेती करते हैं और खेती के अलावा पशुपालन भी करते हैं क्या। न्यूजीलैंड के किसान पशुपालन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इनके पास बहुत बड़ी संख्या में भेड़ और गाय होती है जिससे यह दूध का व्यापार, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, मीट, भेड़ों के बाल आदि का व्यापार करते हैं जिससे इनकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ भेड़ गायों की संख्या इंसानों की संख्या से ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर खेतीबाड़ी और पशुपालन कितना होता होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।